हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको वह स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे यदि हम 180 में मल्टीप्लाई कर दें तो 180 क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेंड। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम इसका निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 180 को फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि 180 में 180 जो है क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 180 को जब फैक्टराइज करेंगे तो मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर अब लिख लेंगे पहले आप कि यहां लिखेंगे आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट क्या मिलेगा, 180 को करेंगे फैक्टराइज तो मिलेगा 2 9 जा 18, फिर उसे करेंगे 2 4 जा एंड 2 5 जा 5, से करेंगे 5 9 जा 3, से करेंगे 3 3 जा एंड 3 1 जा। मतलब कि हमें मिलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, सो हमें मिला क्या, 180 जो है फैक्टराइज हो गया इस तरीके से, 2 इंटू 3 पहले लिखिए इंटू 5। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 180 क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए, जब आपको पेयर बन जाएगा, मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के, यदि उनका पेयर बनता है तब हम कहेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहां पर एक नंबर का पेयर नहीं बन पा रहा, मतलब 5 का पेयर नहीं बन पा रहा, नहीं बना है, देयरफॉर 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लिख देंगे कि हियर फाइव इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 शुड बी मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्या करना होगा, सो द डिजायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इसका रूट क्या हो जाएगा, 180 इंटू 5। हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो अब ये बन जाएगा इसका पेयर, ठीक है, यहाँ पर, और तब जाकर के 180 जो है बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करने में जो मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पर 500 5 8 जा 40 का 0 4 हो गया 5 5 और 4 9, मतलब 900। तो 900 अब नंबर मिल गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो इसलिए हम यहाँ पर निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 900। तो ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा, बस इसमें एक 5 भी अटैच रहेगा, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेयर बनेगा 2 का 3 का और 5 का भी, तो बाहर निकालेंगे बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 मीन्स हो जाएगा 2 3 जा 6 6 5 जा 30, मीन्स 30 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 900। जो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बना है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 30 होगा। एंड दिस आर योर आंसर, मतलब ये 30 आंसर है आपका एक, और आपका 5 जो है आंसर है, ये दोनों मिला करके आपके आंसर होगा इस क्वेश्चन के। तो होप समझ में आ गया होगा। तो यदि आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। थैंक
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।